पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कैलिपर्स के बारे में, कैलिपर्स का ज्वाइंट साइज और मटेरियल। आज के क्लास में हम जानेंगे कैलिपर कितने प्रकार का होता है। तो हमारे थिएटर वर्कशॉप में कैलिपर मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, इसका हम प्रयोग थिएटर वर्कशॉप में करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कैलिपर है उसका नाम है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का जो गेजिंग पॉइंट है वह बाहर से होते हुए अंदर की ओर मुड़ता है। इस प्रकार से हम एक चित्र के द्वारा इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये अंदर की तरफ मुड़ता है। ये हमारा हो गया आउटसाइड कैलिपर, जिसके द्वारा किसी चौक का बाहरी लंबाई चौड़ाई या व्यास, बाहरी एक्सटर्नल माप हम लेते हैं आउटसाइड कैलिपर के द्वारा। ये जो है ये आपका गेजिंग पॉइंट होगा। ये गेजिंग पॉइंट हुआ जिसके द्वारा हम माप को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई जॉब है, इसका माप लेना है कि इसका जो है डायमीटर कितना है। तो हम दोनों गेजिंग पॉइंट को जॉब के सेंटर में हम सटाते हैं। सटाने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद स्टील रूम पर इसका हम माप ले लेते हैं। ये दोनों गेजिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना खुला हुआ है, जो स्टील रूम पर माप होगा वही इस जॉब का भी माप होता है। इस प्रकार आउटसाइड कैलिपर के द्वारा हम जॉब को मापते हैं। तो आउटसाइड कैलिपर में भी दो प्रकार के कैलिपर होता है, जो अभी बनाए हैं यह है थर्म ज्वाइंट कैलिपर, जिसको एक रिवेट के द्वारा जोड़ा गया है। इसके गेजिंग पॉइंट को खोलने और बंद करने में थोड़ा असुविधा होता है, इसलिए कि हाथ के बैलेंस से इसको खोलते और बंद करते हैं। इस पर दबाव के अनुसार कम से कम 1 mm का त्रुटि हो सकता है, इसलिए कि हाथ के द्वारा खोलते हैं। दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में ये आपका जो है दो लेग होता है। इस प्रकार से और इस लेग को एक स्प्रिंग के द्वारा पिवोट पर जोड़ देते हैं। ये आपका स्प्रिंग है। ये बीच का जो भाग है इसको पिवोट कहते हैं। स्प्रिंग और पिवोट के द्वारा दोनों लेग को जोड़ दिया गया है और यहाँ पर एक बोल्ट काम करता है और बोल्ट पर एक नट काम करता है। तो नट को जैसे हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों लेग आपस में खुलता है, और नट को क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो दोनों जो लेग है आपस में बंद होता है। इस प्रकार इसके द्वारा हम खुदका में खोल सकते हैं, माप को आसानी से खोल सकते हैं, जिसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। तो इस प्रकार ये थर्म ज्वाइंट हुआ और ये स्प्रिंग ज्वाइंट हुआ। तो ये हुआ आपका आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर में सारा सिस्टम वैसे ही काम करता है, सिर्फ लेग का जो मूवमेंट होता है वह बदल जाता है। लेग का मूवमेंट जो है वह जो है आपका बाहर की तरफ, इसका गेजिंग पॉइंट निकला हुआ होता है बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसके द्वारा किसी जॉब का अंदरूनी स्लॉट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कमाप किया होगा, तो इन साइड कैलिपर के द्वारा हम ले सकते हैं। दूसरा जो आपका ये कैलिपर है इसका नाम है इन साइड कैलिपर।
इन साइड कैलिपर, इसकी जो दोनों टांगे हैं वह बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसके द्वारा अंदरूनी माप यानी किसी स्लॉट की चौड़ाई नाप सकते हैं इन साइड कैलिपर के द्वारा। वो तो आपका हो गया। तीसरा है, नंबर तीन है जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर के द्वारा किसी जॉब पर सीधी रेखाएं खींची जाती है। जेनी कैलिपर का जो एक लेग होता है वह बिल्कुल सीधा होता है और दूसरा जो लेग होता है वह अंदर की तरफ 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। उस मुड़े हुए टांग के द्वारा किसी डॉटम लाइन के किसी जॉब के साइड अर्थात डॉटम लाइन के सहारे हम सीधी रेखाएं खींच सकते हैं, इसके द्वारा हम जॉब पर मार्किंग करते हैं। इस प्रकार हमारा तीन प्रकार का कैलिपर हुआ। सबसे पहला है आउटसाइड कैलिपर, दूसरा इनसाइड कैलिपर और तीसरा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को हम और तीन नामों से जानते हैं, जेनी कैलिपर, कॉर्डलेक कैलिपर और थर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो जेनी कैलिपर का जो प्रयोग है हमारे फिटर वर्कशॉप में साधारण जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा किसी जॉब पर सीधी रेखाएं खींच सकते हैं जॉब के डेटम लाइन के सहारे, अर्थात जॉब का जो संलग्न भुजा होता है जो 90 डिग्री में बना होता है उसके साइड का सहारा लेकर के हम जेनी कैलिपर के द्वारा सीधी रेखाएं खींच सकते हैं।